हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चिली पटैटो। इस वीडियो में मैंने वही इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं जो इजीली आपकी किचन में अवेलेबल होंगे। चिली पटैटो बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू, एक कटोरे में थोड़ा सा पानी और चॉपिंग बोर्ड। अब हम हमारे आलू को फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने अपने आलू को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है, जिससे कि हमारी फ्रेंच फ्राइज की ऑलमोस्ट शेप देने की कोशिश करेंगे हम। इसके लिए मैंने आलू की छोटी छोटी स्लाइस कट करी और अब मैं इसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर रही हूँ। इसको हम ना ज़्यादा पतला काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा काटेंगे, बराबर से पीस में कट करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सारे आलुओं को सेम शेप में काट लिया है। अब मैं इनको पानी वाले कटोरे में डाल दूंगी, जिससे कि हमारा आलू काला नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने अपने सारे आलू को पानी के अंदर डाल दिया है। गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे और उसके अंदर 1 लीटर के आसपास पानी को डालेंगे। अब हम पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर हमारे आलूओं को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारे आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालना। ये हमारे आलूओं को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, हमें इसको 65% ही पकाना है। अब मैं स्ट्रेनर की हेल्प से अपने आलूओं को छान लूँगी और यहाँ पे अगर हम आलू को इससे ज़्यादा उबालेंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे, तो आगे जब हम इसको फ्रेंच फ्राइज की तरह तलेंगे तो ये टूट जाएंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। अब टिश्यू पेपर पे मैं इन बॉइल्ड आलूओं को डाल दूंगी, जिससे कि जो भी मॉइस्चर होगा वो टिश्यू पेपर पे आ जाएगा। अब मैं इनको अब एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने दो से तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है और 2 से 3 बड़े चम्मच ही मैंने मैदे का यूज़ किया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ किया है। इसे मिक्स करके हम इसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि हमारे आलूओं पे कोटिंग सी चढ़ जाए, देखिए ऐसे। अब मैं मेरे सारे फ्राइज को एक एक करके कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हम एक एक करके कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे इन सबको। ये अब मैं इसको हिला रही हूँ, आप देखिए ये आपस में चिपक गए हैं। इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, जब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे तब ये अपने आप सब अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये सब अपने आप अलग अलग हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट गोल्डन भी हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर एक टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमारे बचे हुए फ्राइज़ हैं उनको भी हम एक एक करके कढ़ाई में डालकर तल लेंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारे बचे हुए फ्राइज़ भी पक चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं एज अ फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए ये कितने कुरकुरे बने हैं, देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा है। अब हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे और इधर मैंने मेरा तड़का भी तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने ली है 4 से 5 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च और 1 से 2 प्याज। अब मैं पैन में ऑयल को डालूंगी और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अपने लहसुन को ट्रांसफ़र कर दूंगी। और आप इसके अंदर शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही चिली पटैटो, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे घर में शिमला मिर्च खाना किसी को भी पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को ऐड नहीं किया है, बट आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं अपनी हरी मिर्च और प्याज को इसमें ऐड कर दूंगी। और सॉरी गाइज, इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, आप थोड़ा कम यूज़ करें।
मेरा प्याज यहाँ पर पक चुका है। अब मैं इसके अंदर एक छोटी चम्मच नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च यूज़ करूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया यूज़ करूँगी और तीनों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा पकाऊँगी मैं अपने प्याज को। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट पक चुका है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हम इसके अंदर हमारी सॉसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर रेड चिली सॉस ऐड की है और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस ऐड की है। अगर आपके पास लाइट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास डार्क थी तो मैंने थोड़ी यूज़ की है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर टमाटो केचप को यूज़ किया। आप इसकी एक आधा स्पून की क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हो, क्योंकि जो टमाटो केचप होता है वो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है और वो हमारे पूरे चिली पोटैटो के टेस्ट को बैलेंस कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच रोस्टेड तिल यहाँ पर ऐड किए हैं। आप इसके अंदर 1 चम्मच हनी भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये हनी चिली पोटैटो बन जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगता है। बट मेरी फैमिली को नहीं पसंद तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। अब हम यहाँ पर 1/2 ग्लास के आसपास पानी को यूज़ करेंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे और उबाल को आने देंगे। ये देखिए हमारी सॉसेस कितने अच्छे से आपस में ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसमें पानी डालकर उसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। आप यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम उस पेस्ट को हमारी सॉस में ऐड कर देंगे और इसको लगातार अच्छे से चलाएंगे और हमारी जो सॉस है वो गाढ़ी हो जाएगी। देखिए 1 से 2 मिनट के बाद देखिए सॉस में क्या शाइन आई है। अब हम हमारे फ्राइज़ को इस सॉस में ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। ये देखिए हमारे चिली पोटैटो बनकर तैयार हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। हम इसको गार्निश करेंगे। आप गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोस्टेड तिल ही यूज़ किया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपको कुछ नई वीडियोस के साथ।